सो हे व्हाट्सअप एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और ड्रीम इलेवन के प्रेडिक्शन की वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका की T20 मैच के बारे में। सेकंड T20 मैच होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होना है। हम भी चाहेंगे पैसे कमाएं, आप भी चाहेंगे पैसे कमाएं। तो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ड्रीम इलेवन की टीम प्रोवाइड करेंगे हम आपको, मैच फ्री भी देंगे। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे दो काम कर दीजिए। एक तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वरना आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज जस्ट टेलीग्राम पर सर्च करिएगा पॉसिबल 11 विदाउट एनी स्पेस, एंड ये जो आपको 60,685 सब्सक्राइबर वाले चैनल, आपको ये वाला चैनल ज्वाइन करना है। इसके अलावा आपको कोई चैनल ज्वाइन नहीं करना। फाइनल टीम हम आपको यहीं पे प्रोवाइड करते हैं टॉस होने के बाद। सो गाइज, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। गाइज, अगर हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन के बारे में, तो कि दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन काफ़ी अच्छी प्लेइंग इलेवन है। वेस्ट इंडीज़ जैसे मैंने प्रेडिक्ट करा था बिल्कुल डोमिनेट कर देगी साउथ अफ्रीका को, वही करा था उन्होंने लास्ट मैच में। सबसे बड़ा हाथ रहा था उनमें एम्बिन लुइस का, 35 बॉल्स पर 71 रन्स की इनिंग्स खेली थी उन्होंने। बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी, देखने लायक बैटिंग करी थी इन्होंने, एंड बाकी कसर कर दी थी क्रिस गेल ने एंड आंड्रे रसल ने। अगर हम बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में, साउथ अफ्रीका के स्टार बैट्समैन रहे थे लास्ट मैच में डेल डसन, इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करके अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर पर पहुंचाया था। 160 मतलब ठीक ठाक स्कोर है इस पिच के अकॉर्डिंग। क्विंटन डी कॉक को भी स्टार्ट मिला था, बट वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, मतलब स्टार्ट मिल के फिर वो 50 नहीं कर पाए, 37 रन पे आउट हो गए थे। बाकी गए और कोई बैट्समैन इतना चला नहीं था। अगर हम गाइस वेस्ट इंडीज़ की टीम अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट मैच में उन्होंने बिल्कुल ही डोमिनेट करके साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। 160 रन टारगेट चेस कर लेते इन जस्ट 15 ओवर में। सबसे बड़ा हाथ रहा था एवन लुइस का। गाइस अगर हम बात कर लें कि ओपनिंग पेयर के बारे में, ओपनिंग प्लेयर बहुत ही धांसू ओपनिंग पेयर, आपको पता है एवन लुइस एंड आंड्रे प्लेचर दोनों ओपनिंग में आएंगे। दोनों बहुत अच्छे थाकड़ बैट्समैन हैं। एवन लुइस ने अपनी फॉर्म लास्ट मैच में दिखाई दी थी जब इन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय करा था साउथ अफ्रीकन टीम को। बस बात कर लेते हैं मिडल ऑर्डर में, मिडल ऑर्डर में आएंगे क्रिस गेल, निकोलस पूरन एंड आंद्रे रसल। मतलब एक अगर हम इनके आप इनकी टीम पे नज़र मारेंगे तो मतलब हर प्लेयर अपने आप में मैच विनर है। कोई भी अगर इनमें से एक भी प्लेयर चल गया ना, तो पूरी सामने वाली टीम को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। बात कर लेते हैं गाइस थोड़ी लोअर ऑर्डर में आएंगे थोड़े कारन पोलार्ड, वही एज अ फिनिशर का रोल प्ले करेंगे अपनी वेस्ट इंडीज़ की टीम की तरफ से, कैप्टन भी वही हैं। अगर हम बात कर लेते हैं बॉलिंग का अटैक में फैबियन एलन, लास्ट मैच में इन्होंने दो विकेट ली थी, अच्छी बॉलिंग की थी, इकोनॉमी भी अच्छी थी। बात कर अगर पेस बॉलिंग के बारे में बात करें तो डीजे ब्रावो एंड ओबैद मकोई दोनों बहुत अच्छे पेस बॉलर्स हैं। डीजे ब्रावो आज के मैच में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो गाइस डीजे ब्रावो को जरूर लेना। अगर आज के मैच की ग्रैंड लीग की पिक मैं बताऊं, तो यहाँ से आप आंड्रे फ्लेचर को ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना, या फिर क्रिस गेल को, ये दोनों बहुत अच्छे पिक रह सकते हैं आज के ग्रैंड लीग के मैच के लिए। अगर हम बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीकन टीम की, साउथ अफ्रीकन टीम वही लास्ट मैच में ठीक ठाक रन बनाए थे, 160 रन का स्कोर दिया था इन्होंने, वो बात अलग है। वेस्ट इंडीज़ ने बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय करके 15 ओवर में चेस कर लिया था। अगर हम इस मैच के बारे में बात करें, साउथ अफ्रीका चाहेगी कि थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्म करें ताकि वेस्ट इंडीज़ को थोड़ा प्रेशर में डाल सके। अगर इनके ओपनिंग पेयर के बारे में बात कर लेते हैं, तो क्विंटन डी कॉक एंड रिज हेंड्रिक्स आते हैं ओपनिंग पेयर में। क्विंटन डी कॉक को स्टार्ट मिला था, बट बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इस मैच में बड़ी दो, अगर जैसे लास्ट मैच में इन्होंने 37 रन बनाए थे, मतलब फॉर्म तो है इनके पास, बट फॉर्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब तुम 20-30 रन हर मैच में बना के चलो, तुम्हें 20-30 रन से ऊपर 50 बनानी पड़ेगी, बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी, मैच विनिंग इनिंग खेलनी पड़ेगी। सो गाइस क्विंटन डी कॉक ट्राई करेंगे मैं आज में मैच में जो उस फॉर्म को थोड़ा ऊपर लेके जाएं, 37 रन की जो इनिंग खेल दी उसको बढ़ाकर 50-60-70 बनाएं, जिससे कि थोड़ी सी साउथ अफ्रीका को ईजी हो जाए बैटिंग करने में नीचे और लोअर ऑर्डर में। अगर हम बात करें मिडल ऑर्डर में आएंगे तेंबा बावुमा, रेसी वेंडर रसन। रेसी वेंडर रसन लास्ट मैच के मतलब अच्छे, इन्होंने 50 रन बनाए थे साउथ अफ्रीकन टीम की तरफ से, अच्छे बैट्समैन है ये भी, आप इनको भी ट्राई कर सकना अपनी स्मॉल लीग में कैप्टन बनाने के, वाइस कैप्टन बनाने की। अगर हम बात करें थोड़े लॉर्ड ऑर्डर में, तो हेनरिक लार्सन एंड डेविन मिलर इनके आएंगे एज अ फिनिशर का रोल प्ले करने के लिए। बॉलिंग डिपार्टमेंट देख ले तो जॉर्ज लिंडे एंड तैबरा शमसी दोनों स्पिन बॉलर्स हैं, स्पिन अटैक दोनों संभालेंगे। एंड पेस बॉलिंग की तरफ देखें तो एंड्रिस नॉर्थ एंड कविगिसो रबाडा दोनों बहुत अच्छे स्पेस बॉलर्स हैं। हेड टू हेड के बारे में बात कर ले तो वेस्ट इंडीज़ 5 मैच जीती है, साउथ अफ्रीका 6 मैच जीती है। विनर प्रेडिक्शन के बारे में बात कर ले तो वही
वेस्ट इंडीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा चांस है इस मैच को जीतने का। आपको पता ही है थोड़ी सी इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत ही ज़्यादा ओपी है साउथ अफ्रीका के कंपैरिजन में। फैंटेसी टिप्स के बारे में बात कर लें तो बैटिंग पिच आपको पता है बैटमैन लेफ्ट टू बैट, क्योंकि आपको कल भी देखा था हमने, मतलब बॉल सीधा बैट पे आ रहा था विदाउट मूवमेंट, इतनी थी नहीं, स्पिन थोड़ी बहुत अच्छी कर रही थी बट इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया बॉलर्स की तरफ से। मतलब कोई मतलब समझ रहे हो यार, मतलब सीधी सीधी बॉल आ रही है, बैट्समैन को क्या प्रॉब्लम होगी। तो ट्राई करिएगा अपनी टीम में बैट्समैन ज़रूर लेके जाइएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम। की प्लेयर्स के बारे में बात कर लें तो की प्लेयर्स रहने वाले हैं एवन लुइस, क्रिस गेल, रसल, ब्रावो, जेसन होल्डर। साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डिकॉक, हेंड्रिक्स, रसन, रबाडा, शमसी नॉर्डे। ट्राई करने सारे प्लेयर्स अपनी टीम में लेने के लिए। पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लें तो पिच रिपोर्ट वही बैटिंग को फेवर करती है, पिच रिपोर्ट थोड़ी बहुत स्पिन को फेवर करेगी बट मोस्टली बैटिंग को फेवर करेगी। भाई चलते अपने ड्रीम इलेवन की टीम की तरफ। सो गाइस अगर हम बात कर लें तो विकेट कीपर सेक्शन की तरफ, विकेट कीपर में अपने पास तीन ऑप्शन आते हैं, चार बल्कि, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, हेनरी क्लास एंड आंड्रे फ्लेचर। आप यहाँ से कोई भी बैट्समैन ले लीजिए अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है। निकोलस पूरन, हेनरी क्लास एंड मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है यार थोड़ा नीचे बैटिंग करने आते हैं, हो सकता है बैटिंग आए भी ना इनकी। तो गाइस मैं यहाँ से क्विंटन डिकॉक को लेना चाहूँगा फिलहाल। आंड्रे फ्लेचर पे अच्छी पिक रह सकते हैं बट हम अभी आंड्रे फ्लेचर नहीं ले रहे। बैटिंग साइड पे देख लें तो बैटिंग साइड पे क्रिस गेल, एवन लुइस, वेंडल डसन एंड यहाँ से मैं बेबूमा ले रहा हूँ या फिर आप हेंड्रिक्स भी ले सकते हैं। बेबूमा मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सा वन डाउन बैटिंग करने आते हैं, हेंड्रिक्स ओपनिंग में आते हैं तो आप हेंड्रिक्स को भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंडर में देख लें तो ऑलराउंडर में आंड्रे रसल एंड जेसन होल्डर। फैब एलन भी आप ले सकते हैं, लास्ट मैच में दो विकेट ली थी बट मैं अभी अभी फैब एलन पर इतना भरोसा नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यार स्पिन बॉलर हम ये पिट भी सकते हैं और जिस मैच में पिटेंगे तो बहुत बुरा पिटेंगे। फिलहाल अभी फैबी एलन को नहीं ले रहा हूँ, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर ही देंगे। यहाँ से कगिसो रबाडा, एंड्रिच नॉर्जे, ड्वेन ब्रावो एंड शमसी तो मेन प्लेयर रहने वाले हैं। देखिए गाइस ये टीम रहने वाली है गाइस हमारी। कैप्टन वाइस कैप्टनसी की तरफ देख लें तो कैप्टनसी मैं दूंगा यहाँ पे आंड्रे रसल को फिलहाल, वाइस कैप्टन मैं बनाऊंगा क्विंटन डिकॉक को क्योंकि लास्ट मैच में स्टार्ट मिला था दोनों ही को। यहाँ पे अगर गए तो आप चेक कर लीजिए, काफ़ी स्टेबल टीम बनाने की कोशिश की है। यहाँ से मैंने क्रिस गेल को लिया है, एवन लुइस को लिया है, फिनिशर के लिए यहाँ पे आंड्रे रसल है ही हमारे पास। साउथ अफ्रीकन टीम की तरफ से ओपनिंग के लिए क्विंटन डिकॉक, मिडल ऑर्डर में वेंडल डसन एंड बेबूमा भी है। सो गाइस ठीक ठाक टीम लग रही है मेरे को ये भी, अगर कोई चेंज होता है तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे, तो टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन करके रख लेना। गाइस ये वीडियो यहीं तक की थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।